हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट एंड फोल्ड। आज की हमारी रेसिपी है बॉम्बे चीज़ सैंडविच। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है। आप जब भी कभी मार्केट जाते होंगे तो आपने देखा होगा ये स्ट्रीट पर काफ़ी मिलती है, तो देखते हैं इसे हम घर पर कैसे बनाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। सबसे पहले देखते हैं इन्ग्रीडियंट्स में हमें क्या क्या चाहिए। हम लेंगे ब्रेड स्लाइसिस, चीज़ स्लाइस, ब्लैक पेपर, चाट मसाला, सॉल्ट, और उसके अलावा हमें चाहिए टमाटो स्लाइसेस। ये देखिए, ऐसे थिन स्लाइसेस करना है आपको टमाटो के। फिर हम लेंगे एक बॉयल्ड पोटैटो, उसे भी हम ऐसे थिन स्लाइस कर लेंगे। इसके स्लाइसेस हमें काफ़ी बारीक करने हैं। और हम लेंगे अनियन स्लाइसेस, ये देखिए ये स्लाइसेस भी काफ़ी पतले होने चाहिए इस तरीके से। उसके अलावा हम लेंगे बटर और ग्रीन चटनी। सबसे पहले हम लेंगे एक ब्रेड स्लाइस, ये हमने जो सैंडविच ब्रेड आता है वो लिया है। आप चाहो तो जो नॉर्मल ब्रेड घर में आप लेते हैं वो भी ले सकते हैं। इसके ऊपर हम बटर को कोट कर देंगे, ये देखिए। और फिर थोड़ा सा बटर लगाने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी आप चाहो तो जो मार्केट में रेडीमेड मिलती है वो भी ले सकते हो, या फिर आप इसे घर पर बना सकते हो ऊपर दिए हुए लिंक की हेल्प से। ये रेसिपी हमारे चैनल पर है। इसके अलावा हम लेंगे एक चीज़ स्लाइस, उसके ऊपर हम रख देंगे दो अनियन स्लाइसेस, और उसके डायगोनली रख देंगे दो पोटैटो स्लाइसेस। फिर हम इसके ऊपर रखेंगे ये दो टमाटो स्लाइसेस। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, फिर डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि सॉल्ट हमें कम ही लेना है, क्योंकि चाट मसाला में भी सॉल्ट होता है और ग्रीन चटनी में भी सॉल्ट है, तो इसलिए हम इस पर डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट। फिर हम इसके ऊपर रख देंगे एक और चीज स्लाइस, और फिर हम एक ब्रेड स्लाइस लेंगे और उसके ऊपर लगा देंगे ये ग्रीन चटनी का एक और लेयर। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं है तो ग्रीन चटनी के बजाय इस पर टमाटो केचप भी लगा सकते हैं, ये देखिए ऐसे। अब हम इसको इसके ऊपर ऐसे कवर कर देंगे। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा बटर, ये देखिए। इसको हमें एक हल्का सा थोड़ा सा ब्रश कर देना है बटर से, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। और अब हम इसे ग्रिल करेंगे। अगर आपके पास ग्रिलर नहीं है तो आप इसको टोस्ट भी कर सकते हैं। तो अब एक तवे के ऊपर जिस तरफ हमने बटर लगाया था उस साइड से हम इस तवे के ऊपर इसे रख देंगे, ये देखिए ऐसे केयरफुली आपको ऐसे रख देना है। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। फिर हम इसके ऊपर जो ऊपर वाली साइड है, जो प्लेन साइड था ब्रेड का, उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे। इसको हमने अच्छे से बटर से कोट कर दिया। अब हम इसे हल्का हल्का प्रेस करते रहेंगे ताकि ये नीचे से अच्छे से सिक जाए। फिर हम इसे सावधानी से दूसरी तरफ पलट देंगे, ये देखिए ऐसे। अब इसे भी हम धीरे धीरे हल्का हल्का प्रेस करते रहेंगे जिससे हमारी फिलिंग भी सेट हो जाएगी और दूसरा ये अच्छे से सिक जाएगी। ये देखिए ऐसे हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है। आप इसे अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा थोड़ा सा क्रंची टेस्ट चाहिए तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा रोस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको कम सिकी हुई पसंद है तो आप इसको गोल्डन ब्राउन भी रख सकते हैं। ये जो सैंडविच है ये फ्रेंड्स नाश्ते के लिए इतना अच्छा ऑप्शन है। शाम को भी इसे बना के खा सकते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए, बहुत टेस्टी होती है और ये एक पूरा आपका मील का काम करती है। आप बाहर अगर खाएंगे तो ये इतनी हाइजीनिक नहीं होती, और अगर आप इसको बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाएंगे तो बहुत कॉस्टली पड़ जाती है, जबकि इसे आप घर पे बहुत आसानी से बहुत इजीली बना सकते हैं बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। ये देखिए कितने अच्छे से सिक गई है और देखने में कितना इसका परफेक्ट टेक्सचर आ रहा है। अब हम इसे सर्व करेंगे, इसको बीच से ऐसे कट कर देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स आप भी इसे बनाइए, और आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।